भगवान तो सरलता पर ही जीते। एक बार की आपको घटना बताऊं, एक आदमी था, वो बहुत खाता था, बहुत, पर काम कुछ करता नहीं था, लेकिन खाता खूब था पर काम बिल्कुल नहीं। बस एक काम था, जहां खाए वहीं लुढ़क जाए, और कुछ काम नहीं करता था बस। और वो तो जहां पर भी खाने जाए, बस वो तो इतना सारा खाए और कहे, दाने दाने पे लिखा खाने वाले का नाम, दाने दाने पे लिखा खाने वाले का नाम। तो हमने कहा, ये मत कहो कि दाने दाने पे लिखा खाने वाले का नाम, तुम तो कहो बोरे बोरे पे लिखा खाने वाले का नाम, बोरे बोरे पे। अब तो खाता ही जाए, बंद ही ना करे, खाता जाए खाता जाए। तो किसी ने कहा, भैया बीच बीच में कम से कम पानी तो पी लिया करो, बीच बीच में कम से कम पानी तो पी लिया करो। तो बोला, बीच तो आए, बीच तो आए। अब तो वो सुन के और परेशान हो गया, अभी बीच ही नहीं आया। लेकिन घर वाली तो बहुत परेशान रहते, अरे काम कछु नहीं करते, खाते हो। एक दिन तो घर ही से निकाल दिया, जाओ भगो, काम कुछ नहीं करते, खर्चा और बढ़ जाता है, जाओ। तो चला गया, लेकिन आश्चर्य शाम को फिर आ गया। सो घर वाले बोले, तुम फिर आ गए? तो वो व्यक्ति बोला कि शायद मुझे निकाल कर पछता रहे हो आप, महफिल में आ गया हूं मैं इस ख्याल से, क्या पता आप मुझे निकाल कर अब पछता रहे हैं। तो घर वाले बोले, यहां कोई नहीं पछता रहा, तुम जा जाओ जल्दी। बेचारा बहुत परेशान गया। लेकिन एक संत बोले कि काम करो, तुम अयोध्या जी चले जाओ, तुम अयोध्या धाम चले जाओ। तो वह संत उस व्यक्ति से बोले कि तुम एक काम करो, अयोध्या जी चले जाओ। तो वो व्यक्ति अयोध्या के लिए प्रस्थान करने लगा, अयोध्या जी पहुंचा। और वो व्यक्ति अयोध्या जी आ गया। अब देखिए, वहां पर उसको एक मंदिर के आगे एक संत बैठे दिखाई दिए। तो उसने सोचा कि संत तो बड़े मोटे ताजे दिखाई दे रहे हैं, ये खूब खाते होंगे, तभी तो इतने मोटे ताजे हैं। सोचा इनका चेला बन जाना चाहिए, हमें भी खाने को मिलेगा। बस फिर क्या था, बोला, महाराज महाराज, इतने में उनके दो चार चेला और निकला है, वो तो और हष्ट पुष्ट। सोचा ये अपने चेलों को और ज्यादा खिलाते होंगे, सोचा इनका चेला ही बन जाना चाहिए। बस कहा, महाराज हमें अपना चेला बना दो। वो बोले, बन जाओ। बोले कि काम क्या करना पड़ेगा? महात्मा जी बोले, कुछ काम नहीं, बस आरती के टाइम खड़ा होना और यही सब बातें, बस ठीक है, बस तुम प्रेम से रहो। दीक्षा ले ली, मंत्र ले ली। सो अब वो कहे कि महाराज यहाँ पे पंगत कितने टाइम होती है? तो कहा कि दो टाइम होती है, सुबह शाम। तो बोला, महाराज हम चार टाइम कर ले तो कोई हर्ज तो नहीं? तो कोई बात नहीं, तुम चार टाइम कर दिया, चार की जगह वो छह करे।
बहुत खाए, अब तो और आनंद में और खावे को मिले। लेकिन उसको क्या पता यहाँ भी विडंबना आने वाली है। एक दिन आई एकादशी, एकादशी आई एक दिन, अब तो कहना ही क्या था, सब लोग व्रत थे। तो वो सुबह से उठा तो देखा चूल्हे ठंडे पड़े, तो गुरुजी के पास गया कि गुरुजी ये चूल्हे आज ठंडे क्यों पड़े। गुरुजी बोले अरे हम तुम्हें बताना भूल गए कि आज तो एकादशी है, एकादशी आज एकादशी। अब जो उसने सुना कि एकादशी, बोला एकादशी क्या होती है। सो गुरुजी बोले कि एकादशी मतलब ना कुछ बनेगा ना कुछ मिलेगा। बोला कि गुरुजी अगर हम आज एकादशी रहे तो हम द्वादशी तो देखा ही नहीं पाएंगे, पहले ही मर जाएंगे। तो कहा कि अब देखो नियम तो नियम है, यहाँ पे तो नहीं बनेगा, तुम बना लोगे। सो बोला मरता क्या नहीं करता, हम सब बना लेंगे, सब बना लेंगे। ठीक है जाओ भंडारे में से आटा ले लो और जो भी उसी के हिसाब से नमक वमक ले लो भंडारी से। बस उसने सब आटा वाटा एक सिर आटा लिया 1 किलो और अयोध्या नगरी में जो सरयू जी बहती थी उनके किनारे गया और बैठ गया और कहा कि प्रभु को प्रसाद लगा दूं, क्योंकि गुरुजी ने कहा था कि देखो अब तुम महात्मा हो गए हो, भगवान को प्रसाद लगाकर भोजन करना। उसने सोचा भगवान को प्रसाद तो लगा दूं, गुरुजी ने कहा था तो भोजन तो बनाया जैसा बना उससे जली मली रोटी। तो बुलाने लगा कि प्रभु मैं मंत्र नहीं जानता, तंत्र नहीं जानता, पूजा की विधि नहीं जानता। राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। आचमनी अरघान आरती यहाँ यही मेहमानी, आचमनी आरती यहाँ यही मेहमानी। रूखी रोटी काओ प्रेम से पियो नदी का पानी, रूखी रोटी काओ प्रेम से पियो नदी का पानी। रूखी रोटी खा और नदी का पानी पियो, यहाँ पे थोड़े ही ना व्यंजन है। तो प्रभु राजा राम आइए, मेरे राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। जय हो। ताली की सेवा करते हुए हाथ उठाकर सब लोग ताली की सेवा कीजिए।
देखिए ताली में कमी मत करिए, सब लोग बजाइए ताली। राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। लेकिन उसने कहा, सोच रहे होंगे यहाँ पर रूखी रोटी कौन खाए और नदी का पानी कौन पी। मंदिर में चलो, वहां पर भोजन मिलेंगे। तो उसने कहा, प्रभु धोखे में मत रहना, धोखे में मत रहना, ये मंदिर में मिल जाएंगे। भूल करोगे यदि तज दोगे भोजन रूखे सूखे, भूल करोगे यदि तज दोगे भोजन रूखे सूखे, भूल करोगे यदि तज दोगे भोजन रूखे सूखे, भूल करोगे यदि तज दोगे भोजन रूखे सूखे। तो एकादशी आज मंदिर में बैठे रहोगे भूखे, तो एकादशी आज मंदिर में बैठे रहोगे भूखे। आज मंदिर में एकादशी है, अगर नहीं खाए तो बैठे रहोगे भूखे। इसीलिए राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। ओ मेरे भोजन का भोग लगाइए। बुलाने लगा, वो तो सरल ही था, उसको क्या पता कि भगवान आते भी हैं। सो कहने लगा, प्रभु हम और भूखे जल्दी आ जाओ, नम हम ही खा लें। तो ऐसी सरलता पर भगवान रीझ गए, प्रसन्न हो गए और भगवान आ गए। लेकिन भगवान अकेले नहीं आए, राम बाम दिशि जानकी, श्री सीता जी को भी साथ ले आए। अब तो खाना दो ही लोगों के हिसाब से था, तो लेकिन सोचा भगवान आ गए, भगवान आ गए, प्रणाम किया। तो अब कभी रोटियों की ओर देखे, कभी भगवान की ओर देखे, अब क्या होगा। कोई बात नहीं, भगवान आए, हम थोड़ा ही खा लेंगे। अब भगवान को भोजन परोसा और जो बचा सो खुद खा लिया। भूखा रहा बेचारा, लेकिन भगवान से कहा कि प्रभु प्रणाम आ पाए। तो भगवान बोले, देखो अगली बार फिर हम आएंगे एकादशी को, हम फिर से आएंगे, ठीक है। अब उसने कहा, गुरुजी अगली एकादशी को एक नहीं दो शेर आटा। गुरुजी ने सोचा थोड़ा भूखा रहा होगा, ठीक है ले जाओ। अब वो ले गया एकादशी को सरयू जी के किनारे।